नमस्कार दोस्तों, यूपीआईएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए स्टूडेंट हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जब भी किसी प्रश्न में, एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी प्रश्न में सत्य पूछे और असत्य पूछे तो सबसे पहले उस चीज को हाईलाइट कर लीजिए कि आपके दिमाग में कम से कम रहे कि ये सत्य पूछा है। तो खरोष्ठी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, पहला है कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि को कहते हैं। दूसरा, बाएं से दाएं जाने वाली लिपि को कहते हैं, लिपि है ये, ठीक है। तीसरा, आरंभिक अभिलेख वाली लिपि को कहते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं को कहते हैं। क्या ऑप्शन आपको सही है यही बताइए। तो खरोष्ठी लिपि कहते हैं, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि को खरोष्ठी लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा, दाएं से बाएं जाने वाली लिपि को खरोष्ठी लिपि कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार यूपीएससी में भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि दाएं से बाएं जाने वाली लिपि। आइए इसके व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं जाने वाली लिपि होती है। गांधारी लिपि के रूप में भी इसका सबसे ज्यादा इस लिपि को जाना जाता है। अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखी हुई है। इस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग कुषाण काल में किया गया है। इसके साथ साथ मनसेहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख खरोष्ठी लिपि में ही है। यह दोनों अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है। इसके साथ साथ प्राकृतिक लिपि, आरबी का अभिलेख इसी भाषा के थे। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि होती है और अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ अरमाइक लिपि, जो कि पाकिस्तान और अपने हिंदुस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त लिपि भी है। ओवरऑल जितना भी मैंने आपको व्याख्या में बताया वो व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर में देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये सब जो है, मनसेरा हुआ, शहबाजगढ़ी हुआ, पाकिस्तान हुआ या खरोष्ठी लिपि, ये सब क्वेश्चंस लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपने संबंध में अपने विचार करें। कौन सा? पहला, विजय संघ का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है। गौतमी बलश्री का संबंध है नासिक अभिलेख से। या समुद्रगत का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से। उपरोक्त में कौन सा कूट सही है? पहला केवल एक, दूसरा केवल एक और तीन, तीसरा केवल तीन, चौथा उपरोक्त सभी। तो दूसरे का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव सही, यानी कि विजय सिंह का संबंध देवपाड़ा अभिलेख से है, गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है, समुद्रगुप्त का संबंध जो है प्रयाग प्रशस्ति से है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ही सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर हम बात करें तो हरिशेठ के द्वारा लिखित जो है इलाहाबाद और एरण अभिलेख जो है सागर मध्य प्रदेश समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। इस अभिलेख में सीमा विस्तार तथा विजयों का उल्लेख मिलता है। नासिक अभिलेख जो है गौतम बलश्री यानी कि सातवाहन शासक से संबंधित है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। जिन लोगों ने आंसर डी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक निम्नलिखित में से कौन? बहुत अच्छी किताब है। पहला टॉलमी, दूसरा स्ट्रैबो, तीसरा पिलानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के नामक पुस्तक के लेखक के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह लाल सागर का विवरण प्रस्तुत करता है तथा ईसवी प्रथम सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर विस्तृत प्रकाश डालता है। मेगस्थनीज की इंडिका का काल्पनिक प्रस्तुतिकरण स्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। टॉलमी की जियोग्राफी प्राचीन भारतीय वाणिज्य और भूगोल की विस्तृत जानकारी देता भी है। इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रशासन में अंतः महामात्य का क्या कार्य होता है? पहला, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। तीसरा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा, समाज में सामंजस्य स्थापित करने वाला अधिकारी। चौथे का आंसर दीजिए सभी लोग।
इसका सही जवाब है जो अंतः मामाते होते हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को कहा जाता है, यानी जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। मौर्य प्रशासन काफी विस्तृत रूप से संपन्न था, इसमें सभी के कार्य और दायित्व समान रूप से बांटे गए थे। अशोक के काल में प्रमुख अधिकारियों का कार्य जैसे महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाले अधिकारी को अस्त्राध्यक्ष कहा जाता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अंतः मामात्र कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय के अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा। इसके साथ समाज में सामंजस्य स्थापित करने वाले अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता था। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न पे बात करते हैं। पांचवा प्रश्न, द्वैत अद्वैत के विचार प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? पहला शंकराचार्य, दूसरा माध्वाचार्य, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा निम्बकाचार्य। तो पांचवे का जो सही आंसर है निम्बकाचार्य। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा, द्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य से संबंधित है। द्वैतवाद के विचार के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे, या विचार सनक संप्रदाय से संबंधित है जिसकी उपासना विधि सगुण थी और मुक्ति का मार्ग भक्ति मार्ग को माना गया है। अद्वैतवाद के विचार के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, या विचार स्मृति संप्रदाय से संबंधित था जिसके उपासना विधि निर्गुण थे और मुक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग को माना गया है। विशिष्ट द्वैतवाद के विचार प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, या विचार श्री संप्रदाय से संबंधित है जिसकी उपासना विधि सगुण थी और मुक्ति का मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग को माना गया है। सातवां, छठवां प्रश्न जो है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णव धर्म निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? बंगाल और बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा और बंगाल। तो छठवें का जो सही आंसर है उड़ीसा और बंगाल। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। चैतन्य प्रभु के द्वारा वैष्णव जो धर्म था उड़ीसा और बंगाल क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। चैतन्य प्रभु ने कृष्ण को अपना आराध्य माना। उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र गजपति चैतन्य प्रभु के शिष्य थे। चैतन्य प्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ और मृत्यु जो है पूरी उड़ीसा में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि प्रतीक मुद्रा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? पहला गजन खान, कुबलई खान, मोहम्मद बिन तुगलक। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, और उपरोक्त सभी। तो सातवें का जो सही आंसर है बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इसलिए उपरोक्त सभी बिल्कुल प्रतीक मुद्रा का सभी लोगों ने प्रयोग किया था। तो 14वीं शताब्दी में भारत में चांदी की कमी हो जाने के कारण प्रतीक मुद्रा प्रचलन में आया। सर्वप्रथम चीन का कुबलई खान पहले ही प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। ईरान का गजन खान, मंगोल शासक ने भी प्रतीक मुद्रा का प्रयोग किया। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीजी सबसे पढ़ा लिखा शासक प्रतीक मुद्रा के रूप कासा का सिक्का चलाया जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर हुआ करता था। आठवां प्रश्न कह रहा है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में दीवाने बरीद विभाग का प्रमुख कार्य क्या था? पहला सुल्तान के आदेश को लिखना, विदेशी मंत्री के सहयोगी, गुप्तचर विभाग, और इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का जो सही आंसर है वह है गुप्तचर विभाग। दीवाने बरीद जो था शेरशाह सूरी का गुप्तचर विभाग था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में सूरज वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। प्रथम अफगान शासक सम्राट लोदी वंश था। शेरशाह के शासनकाल विभिन्न चरणों को जैसे दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीवाने इंसा, सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसके प्रमुख को दीवाने मुमालिक कहा जाता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग जिसके प्रधान को आरिजे मुमालिक कहा जाता था, और दीवाने रसालत को देशी विदेश मंत्रालय की भांति ये कार्य करता भी था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है जितना दे रहा हूं मैं आपको। नवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न, नवा प्रश्न ये कह रहा है कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुंशी कुली खां के द्वारा कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1774, दूसरा ऑप्शन है 1714, दूसरा 1715, 1716, 1717। इसका सही जवाब है 1717, यानी ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खान का 1717 में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1717 में मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की गई। 1740 में बंगाल का नवाब बना। उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 का बंगाल का नवाब बना था। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छे से इसको देखिए। और ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़िए। यूपीआईएस का ऐप है, गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर यूपीआईएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो लोग नए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचारों को बताएं, अपने कमेंट्स अपने सुझाव जरूर दें ताकि और भी इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।